हेलो, वेलकम टू आवर चैनल एक्मे स्मार्ट इनोवेशंस। आज हम डिस्कस करेंगे टाइमर एक्सटेंशन कॉर्ड। ये जो टाइमर एक्सटेंशन कॉर्ड है, इसमें आप ये टाइमर देख रहे हैं, ये प्रोग्रामेबल टाइमर है। आप इस प्रोग्रामेबल टाइमर में टाइम सेट कर देंगे, ऑन टाइम और ऑफ टाइम। जो भी आप ऑन टाइम सेट करेंगे, उस ऑन टाइम में आपके ये तीनों टर्मिनल्स ऑन हो जाएंगे, और जो आप ऑफ टाइम सेट करेंगे उस पर्टिकुलर टाइम में ये तीनों टर्मिनल्स पे जो भी आपने अप्लायंस लगाया होगा वो ऑफ हो जाएगा। आप इसमें 8 डिफरेंट टाइम्स सेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि आप ये क्लॉक, ये जो प्रोग्रामेबल टाइमर है, इसको कैसे सेट कर सकते हैं, इसकी क्लॉक कैसे सेट कर सकते हैं, और इसमें आपने जो भी अपने ऑन और ऑफ टाइम सेट कर रहे हैं वो कैसे कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम अपना देखते हैं कि हम ये टाइमर को कैसे सेट कर सकते हैं, हम इसमें क्लॉक कैसे सेट कर सकते हैं, और ऑन और ऑफ टाइम कैसे सेट कर सकते हैं। ये देखिए, सबसे पहले इस पर ऑलरेडी कुछ टाइम आ रहा है, आप डायरेक्टली भी सेट कर सकते हैं। और सपोज कीजिए इसमें कुछ ऑलरेडी कुछ ऑन टाइम या ऑफ टाइम ऑलरेडी सेट है, तो आप अपनी इस क्लॉक को रीसेट भी कर सकते हैं। रीसेट करने के लिए ये रीसेट बटन है, आप रीसेट बटन पे ये स्क्रू ड्राइवर से यहां पर जब आप प्रेस करेंगे तो ये देखिए, अब ये आपका जो टाइमर है ये रीसेट हो चुका है। आप इसमें अब अपनी क्लॉक सेट कर सकते हैं। क्लॉक सेट करने के लिए आपको डे सेट करना है, आज सैटरडे है, तो हम क्लॉक का बटन, ये देखिए ये क्लॉक का बटन और डे का बटन, हम आप क्लॉक का बटन चाहे तो एक साथ प्रेस कर लीजिए, या क्लॉक का बटन प्रेस रखिए और डे का बटन प्रेस कर लीजिए। देखिए अभी ट्यूसडे दिखा रहा है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और ये सैटरडे। ऐसे ही आप टाइम भी सेट कर सकते हैं। अभी हमारा टाइम है 7:45, तो हमने आर सेट किया, ये देखिए 7 मीन्स 19, हमारा टाइम है 45। अब देखिए इसको आप 45, यहां से ये मिनट का बटन है, क्लॉक का बटन आप प्रेस रखिए और आप मिनट का बटन प्रेस कीजिए, तो ये अभी हमारा टाइम हो गया है 7:46। तो 45 एंड 46, ये हमने अपनी क्लॉक सेट कर ली है। अब हम देखेंगे कि हम इस एक्सटेंशन कॉर्ड को कैसे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले ये आप देख रहे हैं यहां पर मैनुअल बटन है। मैनुअल बटन यूज होता है अगर आप इसको मैनुअली यूज करना चाहते हैं, तो ये देखिए मैनुअल के ऊपर ऑन, ऑटो और ऑफ है। साइमल्टेनियसली आप यहां पर ये देखिए टाइम के नीचे आपको ये हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई दे रही है जो इस वक्त ऑटो पर है। इसका मतलब कि अभी ऑटो पर है, मींस जो हम अपना ऑन और ऑफ टाइम सेट करेंगे उसके अकॉर्डिंगली ही हमारी एक्सटेंशन कॉर्ड ऑन होगी। अब हम जब मैनुअल बटन को एक बार प्रेस किया मैंने, ये देखिए इस समय हमारी ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन पर आ गई है। ऑन पर आ गई है मतलब अभी हमारी एक्सटेंशन कॉर्ड ऑन है। एक बार हमने और प्रेस किया, इस समय ऑटो पर है। एक बार हमने और प्रेस किया, इस समय ऑफ पर है। तो देखिए इस समय हमारी एक्सटेंशन कॉर्ड ऑफ है। ये हमारी एक्सटेंशन कॉर्ड का पावर प्लग है। अब हम अपनी इस एक्सटेंशन कॉर्ड को पावर देंगे 220 वोल्ट एसी। इस समय मेरी ये एक्सटेंशन कॉर्ड भी ऑफ है और हमारा ये स्विच ऑफ है। मैंने इसको यहां लगाया, यहां से मैंने पीछे से स्विच ऑन किया। मेरा जो टाइमर है ये अभी हमने ऑफ पर रखा हुआ है, और हमने अपनी
एक्सटेंशन कॉर्ड को पीछे से पावर से कनेक्ट कर दिया है। ये हमारा अप्लायंस है जो हम इससे ऑन करेंगे। ये देखिए, ये हमारा अप्लायंस है। अब हमने जब इसको ऑन किया तो देखिए, इस समय हमने इसको मैन्युअली ऑफ पे सेट किया हुआ है, तो मेरा अप्लायंस नहीं चला। अब हम इसको यहां से, मैंने मैन्युअल इसको दबाया, अभी ये ऑटो पर है, ऑटो पर भी नहीं चला। अब जब मैंने एक और बार प्रेस किया तो देखिए, ये हॉरिजॉन्टल लाइन इस समय ऑन पर आ गई है। तो अब जब ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन पर आ गई है तो आप देखिए, हमारा बल्ब इस समय ऑन है। ये देखिए, हमारा बल्ब इस समय ऑन है। अब अगर मैं यहां से ही इसको ऑफ पर कर दूंगी, ये देखिए, ये अभी हमारा ये हुआ और ये ऑफ। तो आप इस एक्सटेंशन कॉर्ड को अगर मैन्युअली यूज करना चाहते हैं तो आप इस बटन से, मैनुअल बटन से इसको ऑन और ऑफ करवा सकते हैं। अगर आपने जो भी टाइम सेट किया है उस पर्टिकुलर टाइम पे अगर आपको चलवाना है तो आप ऑटो पे रखिए, अदरवाइज आप इसको ऑन या ऑफ पर रखिए। तो अब हम इसको, हमने ऑटो पर सेट कर दिया है। अब हम इसका, ये अप्लायंस मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया और मैंने इसको पावर से हटा दिया। पहले हम देखते हैं कि हम इसमें अपना टाइमर कैसे सेट कर सकते हैं। ये देखिए, टाइमर सेट करने के लिए आप टाइमर बटन प्रेस कीजिए। ये देखिए, वन ऑन, वन ऑन मींस फर्स्ट ऑन टाइम। तो आप इसको जैसे देखिए, ये डे है, अब आप अभी देखिए, आपको डे दिखा रहा है मंडे। तो आप यहां से सेट कर सकते हैं कि आप किन किन डेज चाहते हैं ये ऑन होना, फर्स्ट ऑन होना। देखिए मंडे, एक बार अगर हम इसको प्रेस करेंगे, ट्यूसडे, ये देखिए, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, और अगर आप ये देखिए, मल्टीपल डेज आ गए, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे और फ्राइडे, और सैटरडे संडे को आप नहीं चाहते ये पर्टिकुलर ऑन हो इस टाइम पे। वैसे ही इधर सैटरडे संडे और मंडे टू सैटरडे और मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ऐसे आप ये सारे डेज सेट कर सकते हैं। और ये ऑल सेवन डेज, मंडे टू संडे। यहां से आप आवर सेट कर सकते हैं, जैसे इस समय हमारा सेवन है, अभी हमारा अप्रोक्सीमेटली मैं 7:52 हमारी क्लॉक दिखा रही है। तो ये हम इसको यहां पर सेट कर देते हैं। अभी हमने ऑफ टाइम भी सेट करना है तो हम इसको 7:55 सेट कर देते हैं। हम इसको अपने फर्स्ट ऑन टाइम को 7:55 सेट कर देते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट, हम साथ ही साथ अपना अप्लायंस भी लगा देते हैं। मैंने 7:55 किया है और मैंने इसको अपनी केबल को पावर भी दे दी है। हमने इसको ऑटो पे रखा हुआ है। अब हम इसका ऑफ टाइम सेट करते हैं। ये मैंने ऑफ किया, डे सेट कर लेते हैं। ऑल सेवन डेज वी हैव सेलेक्टेड, हमने पूरे सेवन डेज सेलेक्ट कर लिए हैं। अब ऑफ टाइम भी हम 19 दे देते हैं। ये देखिए, ऑफ टाइम भी हमने 19 दे दिया और हमने 7:55 पर इसको ऑन किया है, तो हम इसको 7:56 पर, एक मिनट के बाद हम इसको ऑफ करवा देंगे, अपनी अप्लायंस को ऑटोमेटिक ऑफ। ये देखिए, 7:56 हमने ऑफ टाइम सेट कर दिया। इसी तरह आप सेकेंड ऑन टाइम, सेकेंड ऑफ टाइम, थर्ड ऑन टाइम, थर्ड ऑफ टाइम, फोर ऑन टाइम, फोर ऑफ टाइम, फाइव, सिक्स, सेवन और एट, आप एट डिफरेंट ऑन ऑफ टाइम्स अपने सिस्टम में, इस टाइमर में सेट कर सकते हैं। अब ये हमारी क्लॉक है, अभी 7:54 दिखा रहा है, 7:55 हमने अपना ऑन टाइम रखा है। अब 7:55 पर हमारा इस समय जो ये आप देखेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन है,
ऑटोमेटिक काम करने के लिए ये ऑटो पे होनी चाहिए। अब देखिए ये 42 सेकंड्स दिखा रहा है, 43 काउंटडाउन बिगिंस। ये हमारा एक्मे इलेक्ट्रॉनिक्स का मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है। ये देखिए 56, 57, 58। ये देखिए हमारा अप्लायंस अपने आप ऑन टाइम पर ऑन हो गया है, ये देखिए। और अब ये 56 पर अपने आप ऑफ हो जाएगा। और ये तीनों टर्मिनल्स को एक साथ पावर मिली है। ये देखिए अगर मैं इस टर्मिनल से हटाकर इस टर्मिनल पर लगा दूंगी तब भी ये टर्मिनल भी ऑन है और ये टर्मिनल भी ऑन है। तो एट अ टाइम आप थ्री डिफरेंट अप्लायंसेस एक ही टाइम पर ऑन और ऑफ करवा सकते हैं। ये हमारा एक्मे इलेक्ट्रॉनिक्स का मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है जो जिसमें हमने एक्सटेंशन कॉर्ड एंकर की यूज की है और ये प्रोग्रामेबल टाइमर यूज किया है। अब ये देखिए ये 43 दिखा रहा है, 50, 51, 52। अब हम देखेंगे जब 756 होंगे तो हमारा ये अप्लायंस ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। ये देखिए हमारा जो ये है ये बल्ब ऑफ हो गया है। आप ये एक्सटेंशन कॉर्ड हमसे परचेस कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। हमारा हेड ऑफिस दिल्ली में है, अगर आप डायरेक्टली पिक करना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये प्रोडक्ट आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, ये प्रोडक्ट आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही वीडियोज आपको हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू।